प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी भीलवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान वे वहां भाजपा कार्यालय में उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की एक सभा को भी संबोधित किया। सैनी ने सभा के पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में गहलोत सरकार 100 दिन के कार्यकाल में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने आम आदमी के लिए नई अच्छी योजनाएं बनाने के बजाय पूर्ववर्ती सरकार की ओर से चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को भी बंद कर दिया है। सैनी ने दावा किया कि भाजपा प्रदेश में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी। मैं यह सोचता हूं कि घर में नहीं दाना, अम्मा चली बुनाने। वास्तव में सरकार आने वाली नहीं है, ये उनको पता है, देश की जनता को पता है। तो घोषणा तो छोटी क्यों करनी चाहिए, बड़ी घोषणा करनी चाहिए। जिन्होंने इन्होंने घोषणा पिछले की, किसान का एक भी कर्ज माफ नहीं हुआ, किस बैंक का कर्ज माफ हुआ ये भी पता नहीं लगा। और जरा राजस्थान में जो हमने योजनाएं चालू की थी, उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में जरूर डाल दिया कि 30,000 से लेकर 3 लाख तक का रुपया जो अब भामाशाह कार्ड के थ्रू लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलती थी वो भी इन्होंने डाल दिया। जरा दूसरे हमारे जो अन्नपूर्णा योजना थी उसको भी, जहाँ 5 रुपए में नाश्ता मिलता था, 8 रुपए में भोजन मिलता था, वो भी